बजट में देश के विकास के लिए चार पिलर तय किए गए हैं। आम बजट के बारे में आम जनता को बताने के लिए रायपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मांडविया ने बताया कि देश के विकास के लिए चार पिलर तय किए गए हैं। बजट में युवा और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के स्किल को लेकर बजट में प्रावधान रखा गया है। छोटे बड़े उद्योगों के विकास के लिए बड़ी योजना बनाई गई है। साथ ही किसानों की हालत सुधारने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में बंटी साहू ने छिंदवाड़ा जीत की कहानी बताई। कमलनाथ के गढ़ में कैसे उन्होंने सेंध मारी और इसकी क्या रणनीति थी उसका भी खुलासा किया। साथ ही छिंदवाड़ा की जनता के लिए नए सांसद क्या कुछ करने जा रहे हैं, कैसे होगा छिंदवाड़ा का विकास, इस पर भी खुलकर बात की। न्यूज 18 पर आज शाम 6:35 पर देखिए हमारे खास पेशकश सांसद जी से मिलिए में आप ये पूरी बातचीत। नमस्कार, हमारी खास पेशकश सांसद जी से मिलिए में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, छिंदवाड़े का विकास की बहुत आवश्यकता है जी। नाथ परिवार ने 45 सालों में छिंदवाड़े को लूटा और छला, सिर्फ झूठी बातें झूठे प्रलोभन देकर के वो छिंदवाड़ा में इतने लंबे समय तक के सिरमौर बने रहे। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। रफ्तार बेलगाम, हादसों पर कब लगाम, जान पर आफत, कितने ब्लैक स्पॉट,